नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। देश के कद्दावर नेताओं में शुमार लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मिल रही हैं शादी की बधाइयां। तेजस्वी यादव को मिल रही हैं शादी की बधाइयां। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दाम्पत्य सूत्र में बंधे, राजनेताओं ने उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। तेजस्वी यादव की शादी, बिहार में बधाइयों का दौर। मंत्री शहनवाज हुसैन और चिराग पासवान ने बताया तेजस्वी को छोटा भाई, शादी की दी शुभकामनाएं। चिराग ने कहा कि जब मेरी शादी होगी तो डंके की चोट पर होगी। हमेशा से तेजस्वी को छोटा भाई मानने वाले चिराग पासवान आज तेजस्वी की शादी के मौके पर बेहद खुश दिखे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की शादी की शुभकामना और आशीर्वाद दिया और कहा कि बड़ी खुशी की बात है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि मेरी शादी जब भी होगी तो डंके की चोट पर होगी। तो दूसरी तरफ बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव को आज उनकी शादी के मौके पर छोटा भाई कहा और शादी की शुभकामनाएं दी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव युवा हैं और उनके छोटे भाई जैसे हैं। शादी के बाद उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चले, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ। शहनवाज हुसैन ने कहा कि शादी जैसे शुभ मौके पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। मंत्री शहनवाज हुसैन हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और चिराग पासवान वैशाली के तिसियौता में हुई 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर दोनों नेताओं से तेजस्वी यादव की शादी पर सवाल किया तो दोनों ही नेताओं ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनकी शादी की बधाइयाँ दीं। हर व्यक्ति की शादी होती, हमारी भी शादी हुई है तो इसमें तो शुभकामना ही देते पति का सर करेगा क्या अलग काम। ये शादी के मामले में, निजी मामले में कोई राजनीतिक टिप्पणी करना सही नहीं है, ना मैं जायज मानता। वो युवा हैं, तेजस्वी यादव को बहुत शुभकामना देते हैं, उनका जीवन अच्छा हो और जो उनका लगन हो रहा है वो शुभ हो, उनके लिए यही कामना कर सकते हैं। छोटे भाई की तरह है इससे, और उनको आशीर्वाद देते हैं दाम्पत्य जीवन अच्छे से उनका चले। सवाल उठाया लेकिन हादसा रुक नहीं रहा, इसको कैसे देख रहा है? लेकिन समीक्षा बैठक एक बंद कमरे में, एक एयर कंडीशन कमरे में बैठने से समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे नहीं, ग्रामीणों से मिलेंगे नहीं, डर के साए में जी रहे हैं ग्रामीण। बोलने से ये लोग डर रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों को धमकी, और बताइए जिनको कानून की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, अगर ऐसे ही शासन प्रशासन तंत्र के लोग आकर आपको धमकी देंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बोलेंगे कि भैया किसी के सामने मुंह नहीं खोलना, किसी को कुछ बोलना नहीं है, तो किस तरीके से डरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारियों को रखना चाह रहे हैं? क्या यही इनकी सोच है सुशासन की, कि आप सामने वाले को डर भय का माहौल दिखाकर आप सामने वाले को आप खामोश करा दें? और शासन प्रशासन जहाँ जहाँ पे भी ऐसी जहरीली शराब से मौत की जहाँ पे भी घटना हो रही है, वहाँ पर सिर्फ लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। तुरंत ये लोग जाते हैं, सबसे पहले शव का दाह संस्कार करवा देते हैं। क्यों भैया आप पोस्टमार्टम नहीं कराते? अगर संदिग्ध परिस्थिति में किसी की मौत हुई है, किसी की मृत्यु हुई है, तो सबसे पहला होता है कि भैया पोस्टमार्टम कराएंगे, जानना तो चाहेंगे। यहाँ जितनी भी मौतें हुई हैं, क्यों किसी का पोस्टमार्टम नहीं होता? क्यों बिना पोस्टमार्टम किए हुए आप सीधा शव को आप जलाते हैं और उसके बाद शासन प्रशासन के लोग आते हैं? भाई ग्रामीण बोल रहे हैं, परिवार वाले खुद बोल रहे हैं, आपके पास वीडियोज़ हैं, मैं चाहूँगा कि आप चैनल में आप इन वीडियोज़ को चलवाइए, जहाँ पे परिवार वाले खुद इस बात को बोल रहे हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन के लोग आके हम लोग को डराते हैं, धमकाते हैं, असुरक्षा का भाव है। डरते हैं ये लोग कि भैया अभी अभी हम लोग मिलके जाएंगे, इसके बाद पता नहीं कौन शासन प्रशासन आएगा, इनको मारेगा, पीटेगा, उठा लेगा, क्या कर लेगा। ऐसे थोड़ी भाई कानून का डर होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसे ही डरा के अगर बिहारवासियों को रखना चाहते हैं तो बता दें भैया, पहले ही अपनी सोच बोल दे कि भैया हमको तानाशाही की तरह हमको यहाँ पे काम करना है, हम लोगों को सिर्फ डरा धमका के हम रखेंगे, जो हमारी बात मानेगा वो रहेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। इस तरीके से प्रदेश के मुखिया का कार्यशैली नहीं होता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन परिवार वालों को सबसे पहले तो उचित सुरक्षा दी जाए। इन लोगों को डर लगता है कि भैया कब शासन प्रशासन के लोग आएंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए कम से कम एक परिवार से तो जाकर मिले। इतनी घटनाएं हो गई हैं, मतलब कितने लोग हाल फिलहाल के दिनों में ही जहरीली शराब पीने से, एक साथ घटना घटी थी जब 50 लोग मरे थे, यहाँ पर कितनी घटनाएं घटी हैं। एक परिवार के पास तो जाएं,
पूछें कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जहरीली शराब मिला, कैसे जाके पिया, उसके बाद तबीयत कैसे खराब हुई, कुछ समझेंगे तभी तो समीक्षा होगी ना, तभी अपने अधिकारियों को आगे निर्देश देंगे। पर वही उनके दो चार अधिकारी हैं जो उनके कान में भर देते हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। सरकार तो सिर्फ यही चार पांच लोग मिलकर चला रहे हैं, ना ही अपने नेताओं की सुनते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।